हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी पेठे की सब्जी। आप इस तरीके से बनाएंगे ना पेठे की सब्जी, खाने में ये बहुत ज्यादा स्वाद बनेगा, बहुत ही ज्यादा। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी सभी मजेदार रेसिपीज आप तक पहुँचती रहे। चलिए पेठे की सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। गैस पे हमने कढ़ाई रख दिया, अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल को गर्म होने देते हैं, जीरा को ब्राउन होने देते हैं। जीरा ब्राउन हो गया, इसमें कटा हुआ हरी मिर्च ऐड कर देते हैं। अब हम एक बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देते हैं। गैस हमें स्लो रखना है। प्याज अच्छे से भून गया है, अब हम इसमें पेठा ऐड कर देते हैं। इसे कोहड़ा भी बोलते हैं। पेठे की सब्जी बनाना बहुत ही आसान है। अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब हम ढक के फ्राई होने देते हैं। सब्जी फ्राई हो गया है थोड़ा सा, अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। मसाले में लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, सभी मसाला हम ऐड कर देंगे। मसाला डाल के अच्छे से हम फ्राई करेंगे। एक चम्मच लहसुन का पेस्ट ऐड कर देते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कटा हुआ टमाटर ऐड कर देते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार। अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अच्छे से मिक्स करके ढक के बनने देते हैं। अभी पानी हम बिल्कुल नहीं डालेंगे, बीच बीच में हम सब्जी चला लेंगे। पेठा में बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना होता है, बहुत ही कम पानी ही डालना होता है। अब ढक के बनने देते, बीच बीच में हम सब्जी चला लेंगे। देखिए अभी पेठा अभी बना नहीं है, थोड़ा और पकाएंगे। ढक के पकने देते हैं। देखिए सब्जी बन गया है, पेठे की सब्जी। ये देखिए कितना बढ़िया है, ये गल भी गया, बिल्कुल कच्चा नहीं है पेठा। अब हम इसमें हरा धनिया ऐड कर देते हैं। हरा धनिया ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पेठे की सब्जी बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है, बहुत ही कम टाइम में। अगर आपको और भी सब्जी की रेसिपी देखनी है तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए। गैस हम बंद कर देते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया पेठे की सब्जी बनके तैयार हो गया ना, खाने में ये बहुत ज्यादा। आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कीजिए। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी।